ये आज़मगढ़ की पावन सरजमी है और इस सरजमी को तो मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ के लोगों से आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं अगल बगल में घर परिवार और मकान रहता है, तो दोस्तों जहाँ पर घर परिवार है वहीं पर मकान है, लोगों का रहन सहन है और उसी के बीच में जस्ट बगल में खेत है। दोस्तों जगह बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा बिल होल है, तो इसको फावड़े से नहीं बल्कि जेसीबी से खुदाई होगी और तभी सारे सांप निकल पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ, उनसे मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने हमको फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया इन सांपों को बचाने के लिए। सर मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय है। थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ लोगों का आवागमन, आवागमन में ये जंगली सांप हैं किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हमने दो बार DM साहब को भी कॉल किया था जी, वहाँ से हमें इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हमारे भाई मिले जी, इन्होंने हमसे कहा बल्ली वाले हसले जी आपका नाम बताया जी, इन्होंने आपको कॉल किया जी, और आपको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि ये भी जानवर हैं जी जी, हमारा अगर नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि इनको एक सुरक्षित जगह मिले जी, जिससे ये भी सुरक्षित रहें और हम हमारा गाँव भी सुरक्षित रहे। थैंक यू दोस्तों। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप समझ सकते हैं इनकी भावनाओं को, इसलिए आप भी बेजवानों को बचाइए क्योंकि दया नाम की चीज़ मालिक ने इंसानों में दे रखा है। कौन है इनको इस दुनिया में बचाने वाला, जहां देखो दोस्तों सांपों की ज़िंदगी एक ऐसी होती है देखते ही बेचारे मार दिए जाते हैं, सही है ना सर, देखा कि डंडा उठा, इसलिए आप तो हालाँकि दोस्तों लोग मारते नहीं बल्कि सब लोग बचाने का काम करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, JCB के आने तक का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हुई और हमारे बीच में JCB मशीन आ चुकी है। पहले थोड़ा सा यहाँ और खोद दीजिए थोड़ा सा। हाँ बिल वाह देख रहे हैं, बिल वहाँ पे हाँ बिल डैमेज हो जाएगा तो निकल नहीं पाएंगे। तेरी हल्ला कब करा है? अरे तो बच्चा हो छोटा भैया, वो जो है ना यही है इसके नीचे और यहाँ है, ये छोटा बच्चा कहाँ है निकल रहा है? ओह बाप नाउर का तो इसी को हालांकि इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं और इसी को दोस्तों हमारे यहाँ अजगर
और गांव में इसको चित्ताड़ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों और भी बहुत सारे सांप हैं, मैं ट्राई करता हूं उसको भी निकाल के दिखाता हूं। हेलो, और इसको तो सबसे पहले पैक करता हूं। अपना सांप सक्सेसफुल हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब कितना पकड़ो, तगड़े पकड़े यार, ना पकड़े भाई नहीं। क्या हुआ? दो मिल गया, दो मिला मिला। हटो 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 छोटा वाला। अरे देव रहा शांति बनाइए भैया, चैनल पे जाएगा यार। लड़का कहाँ मतलब लड़का ना है लगा बड़ा वाला दूसरा नहीं वही चलिए अरे पोछिया भाग, एक बार इसकी पगड़ी लंबाई देखिए कितनी है, चप्पल जोड़ा लो, पगड़ी लंबाई देखिए सब लोग पगड़ी भाई पगड़ी ना, अरे 10 साल की लंबाई है ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आप इसे देख सकते हैं, इसे दोस्तों इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन हमारे गांव में इसे हजगर और इसी को चित्ताड़ भी बोलते हैं। इसका दोस्तों आप दांत भी देख सकते हैं, तो दोस्तों काफी जद्दोजहद के बाद कड़ी मेहनत हुई और सिर्फ 3 इंडियन रॉक पाइथन ही मिले हैं, उन्हें लेके चलते हैं जंगल रिलीज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।